आज हम आपको बताने वाले हैं ये वाला ड्रेस बनाना जो रहेगा हमारा साइड स्लिट विदाउट गैदर्स नायरा कट और स्लीव स्लीव में कुछ इस टाइप की डिजाइन वाली होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अर्बन बुटीक। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह स्माइल कर रहे होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं नायरा कट, और वो भी बिना गैदर्स वाली, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किसको जिसका टमी बड़ा होता है उनको ये प्रॉब्लम आती है कि उनका टमी बड़ा रहता है तो गैदर्स और बना देते हैं, चुन्नटे और बड़ा दिखने लगता है। तो इसीलिए हम लोग आपको आज ऐसी नायरा कट कटिंग करना बता रहे हैं जिसमें आपका टमी बड़ा नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसलिए इसको हेल्दी लोग भी आराम से बना सकते हैं, पहन सकते हैं, क्योंकि नायरा कट का फैशन तो आजकल चल ही रहा है। सब लोग सोचते हैं हम भी नायरा कट पहने, जिसका टमी बड़ा वो सोचते हैं यार हम भी पहन ले नायरा कट, नहीं दी क्योंकि पता फिर उन लोगों को लगता है और पेट बड़ा दिखने लगेगा और मोटे मोटे दिखेंगे। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम आपको ऐसे नायरा कट कटिंग करना और स्टिचिंग करना बता रहे हैं जिसमें आपका टमी बिल्कुल बड़ा नहीं दिखेगा, जैसा आपका मतलब नॉर्मल रहेगा वैसे ही दिखेगा। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, और आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमारे पास 5 मीटर फैब्रिक है जिसमें से हम नायरा कट बनाएंगे और नीचे प्लाजो बनाएंगे। हम लोग तो दुबले पतले हैं तो हम लोगों की 5 मीटर में आराम से बन जाएगी, पर आपको हेल्दी साइज वालों को बनाना है तो आपको 6 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, 2 मीटर प्लाजो या ट्राउजर बनाने के लिए और 4 मीटर नायरा कट बनाने के लिए। और इसमें हम ये लेस भी यूज करेंगे जो कि चिकन वर्क की है। मैंने ये लेस 6 मीटर ली है, लेकिन आपकी नायरा कट बनाने में और पूरे घेर चौक पे सब में पूरे घेर में हर जगह लगाने में आस्तीन पे प्लाजो में हर जगह लगाएंगे आप तो पूरी 10 मीटर नायरा कट में लगेगी लेस। पहले हमने कुछ दूसरी डिजाइन सोची थी, कुछ दूसरा ड्रेस सोचा था, उसके हिसाब से हम 6 मीटर खरीद कर ले आए थे, लेकिन अब हमारी ये कम पड़ेगी तो ठीक है हम घेर वेर में एडजस्ट कर लेंगे और जहाँ जहाँ लग पाएगी वहाँ वहाँ लगा देंगे हम। चलिए बिना देरी के साथ कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कपड़े खोलकर हमने सिंगल कर लिया है, सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे चोली। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ आपको अपनी चोली कैसे निकालना है और हम तो अलग तरीके से निकालेंगे। देखिए कपड़ा सिंगल कर लिया, इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, जितना आपका साइज है आप उस साइज के बाद लूजिंग ऐड करने के बाद भी आप इसको यहाँ से 2 से 2.5 इंच बड़ा रखिए ताकि मार्जिन रख सके आप। तो आपने एक बार फोल्ड कर लिया, फिर यहाँ से आप चोली की मार्किंग करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी यहाँ से एक चोली निकल जाएगी, इसके बाद आप एक चोली यहाँ से निकाल लीजिएगा तो आपकी ये 2 पल्लन में चोली निकल जाएगी। हमारी प्रीति दुबली पतली है तो उसकी तो एक ही पार्ट में चोली बन जाएगी, तो हम इस कपड़े को यहाँ से ऐसे पूरा फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के निशान लगाएंगे, तो कपड़े को सीधा करने का निशान लगा लिया हमने, तो हमें शोल्डर डाउन करना है क्योंकि हम जो पीछे का गला छोटा बना रहे हैं। शोल्डर हमारे 14 इंच के हैं तो उसका आधा हो जाएगा 7 इंच। आर्मोल्स की गोलाई रखेंगे हम 6.5 इंच, इंची टेप को बीच में रख लेंगे, और चोली की लंबाई हमारी 14 इंच की है तो 15 इंच पर निशान लगा देंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में यहाँ दबेगा और आधा इंच यहाँ शोल्डर के पास दबेगा। अब हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। सीने की फिटिंग हमारी 31 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 का चौथाई भाग करेंगे तो 8.25 इंच हो जाएगा। 8.25 पर हम निशान लगा लेंगे, ये 8 इंच और ये 2 पॉइंट। कमर हमारी 26 इंच की है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगी, 28 का चौथाई भाग करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे, आर्मोल्स के पास गोलाई कर देंगे। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा कट, एक कट कमर के पास और एक यहाँ सेंटर में। अब हम चोली को साइड में कर देंगे, पहले हम नीचे का घेर निकालेंगे। कपड़े को हमने सिंगल कर लिया है, अब दूसरा वाला कोना लेंगे, दोनों कोनों को एक दूसरे से मिला देंगे। आप इस वाले कोने को पकड़ेंगे और इस साइड घुमा देंगे, तिरछे में इसका ओरेप शेप बना लेंगे। अब इस वी वाले हिस्से में से हमको कमर की कटिंग करनी है। कमर की फिटिंग हमारी 7 इंच निकली थी तो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है और 7 इंच पर निशान लगा देना है। और हम यहाँ पर मार्जिन नहीं रख रहे हैं क्योंकि ये ओरेप की वजह से अपने आप ही ये बढ़ जाएगा और इसमें मार्जिन आ जाएगा, और ये तो बिल्कुल पतला सा आ गया है यहाँ पर जो हेल्दी साइज के लोग रहेंगे उनका साइज यहाँ पर आएगा, इतने नीचे कम से कम, यहाँ से लेके यहाँ तक उनकी कमर थोड़ी बड़ी कटेगी। दीदी ये कौन सा कपड़ा है? बटरक्रैप। ये हमारा 10.5 पर निशान आ रहा है, हमने नाप कर देख लिया। आप 10.5-10 पर बाकी की गोलाई से निशान लगाते जाएंगे। हमारी चोली 14 इंच की है और हमारी पूरी फुल लंबाई 41 इंच की है, तो चोली वाला हिस्सा हम ऊपर छोड़ देंगे, 14 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया इंची टेप को, तो 41 इंच हमारी पूरी फुल लंबाई है तो हम 42 इंच पर निशान लगा लेंगे क्योंकि 1 इंच चौक और दामन मोड़ेंगे उसमें भी दब जाएगा। अब ऐसे इंची टेप को आगे बढ़ाते जाना है और 42 पर निशान लगाते जाना है। अब इन्हीं निशानों पर से कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ से हम किनारी भी काट कर अलग कर देंगे। हम अपनी फ्रॉक में चोली के पास से ही जॉब खोल रहे हैं। अगर आपको जॉब थोड़े और बंद करना है, टमी बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, साइड से बिल्कुल पेट ना दिखे, तो फिर आपको क्या करना है, चोली जितनी है आपको इतना इंच टेप ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद आपको जॉब कितने और बंद करना है, 18, 19, 20, जितने इंच तक भी आपको जॉब बंद करना है वहां तक आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप जॉब मोड़ने का निशान लगा दीजिए। तो हम इसमें सीधा डायरेक्ट जॉब मोड़ने का निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ से बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा है। अब बड़ा वाला स्केल लिया हमने और 1 इंच पर निशान लगा देंगे। अब हमारा इसका तो सारा काम हो गया है, इसको हम हटा देंगे। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम निकालेंगे स्लीव्स। तो ये जो हमारे पास कपड़ा बचा है वो कुछ स्ट्राइप्स बचा है लंबा लंबा सा, और यहाँ से इतना कपड़ा बचा है। इसके बाद ये जो 2 मीटर कपड़ा है वो प्लाजो के लिए है, हमें प्लाजो भी बनाना है इसमें। तो अब हम सोच रहे हैं इसमें सिंपल ही स्लीव बनेगी 3/4, लेकिन ये जो इतना लंबा सा कपड़ा बचा है ये भी तो किसी काम में आना चाहिए, इसको भी क्यों वेस्ट कर दें हम। तो मैंने और प्रीति ने मिलकर डिसाइड किया है कि प्रीति को एक बार ऐसी मतलब वो घूमी घूमी वाली जो स्लीव चल रही है ना, उसका नाम तो मुझे पता नहीं है क्या है उसका नाम, तो वही उसको बनवाना थी। वो बहुत दिनों से मुझसे बोल रही थी कि ऐसी स्लीव बनवाना है, पर अभी तक कोई सा भी मौका ही नहीं आया कि जिसमें मैं उसकी ऐसी स्लीव कटिंग कर दूं। तो मुझे आज याद आ गया कि ये जो लंबा सा कपड़ा है उसमें से मैं ऐसी स्लीव कट करने वाली हूँ। तो बहुत ही कम कपड़े में मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कटिंग करना है। तो ये हमारा डबल में रखा हुआ है, जैसे घेर निकाला था उसके बाद ये जो डबल कपड़ा बचता है ये वही कपड़ा है, और इसको यहाँ से ऐसे पलट देना है। इसको इस साइड से घुमा लिया, ये बंद वाला हिस्सा ये मैंने अपनी साइड रख लिया और इस साइड वाला हिस्सा खुला है। मैं आपको एक बार मेजर करके बता देती हूँ ये यहाँ से यहाँ तक कितना है और वहां से वहां तक कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोने तक मिला के ये 20 इंच हो रहा है, और यहाँ से तो बहुत लंबा है वो उधर तक का, लेकिन अपन को उधर तक का नहीं चाहिए। जितनी आपकी स्लीव्स की लंबाई हो आप उसके हिसाब से रख लीजिएगा। अब ये जो बंद वाला हिस्सा है यहाँ से, और ये इधर वाला हिस्सा खुला है यहाँ से लेके यहाँ तक हमको आर्मोल्स का शेप लगाना है गोलाई में। हमारा जो सीने का चौथाई भाग निकला था वो 8.25 इंच आया था, तो हमको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा गोल मेजर करके देखेंगे 8.25 इंच आना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ से रख रहे हैं 4 इंच, और इतना तो हमारे यहाँ पर सिलाई में दबेगा, ये किनारे किनारे तो हम सिलाई में दबा देंगे। तो इतना हमने छोड़ दिया, अब यहाँ से भी हम रखेंगे 4 इंच, 4-4 इंच हमने ये रख लिया, और यहाँ पर ये हमने बॉक्स बना लिया, और यहाँ पर भी आपको 4 इंच पे ही रखना है, इधर से भी सेंटर से भी। अब इसमें गोलाई कर देंगे, अब इसको मेजर करके देख लेंगे, इतना सिलाई का छोड़ने के बाद आपको मेजर करना है। ये देखिए आपका यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 8 आ जाएगा, और जब हम इसको सिलेंगे तो वो 8.25 की जगह 8.5 आराम से हो जाएगा और ये बन भी जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये ऐसा क्यों होएगा, क्योंकि ये होल हो गया ना, और हो गया और में वो बढ़ जाता है अपने आप ही। यहाँ से आपको लंबाई का निशान लगाना है, ये लंबे वाले हिस्से में से आपको लंबाई का निशान लगाना है। स्लीव्स कटिंग करते हैं फिर जो ये जो नीचे वाला हिस्सा आता है हम स्लीव्स को डाउन भी करते हैं, तो 3 इंच हमने यहाँ पर इंची टेप को छोड़ देंगे, 1/2 इंच हमारा सिलाई का हो जाएगा। 3 इंच हमने इंची टेप को यहाँ छोड़ा, और हमारी स्लीव्स की जो लंबाई थी वो 15 इंच की थी तैयार। तो ये हमारी 15 इंच स्लीव्स हो जाएगी। 2 इंच का हम इसमें कफ लगाएंगे तो हमारी स्लीव्स हो जाएगी 13 इंच की। तो हमने ये निशान 13 पर लगा दिया, और ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में दबेगा। जब हम कफ लगाएंगे यहाँ पर तो सिलाई में भी दबेगा, तो ये हमारा सिलाई मार्जिन का हो जाएगा। और ये साइड वाली सिलाई के लिए हमने कौन सी साइड वाली सिलाई दी थी, यहाँ से जो साइड में सिलाई आएगी ना ये उस वाली सिलाई के लिए हमने ये छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये जो मतलब लंबाई का निशान लगा रहा है वो कहाँ से लगा रहा है, वो हम यहाँ से लगा रहा है नीचे वाले हिस्से से, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसीलिए हमने यहाँ से 3 इंच छोड़ के लगाया, क्योंकि यहाँ से जब डाउन हो जाती है तो वो डाउन हो जाती है। अब हमने यहाँ पर स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगा देंगे, तो इतना तो हमको सिलाई में जो दबाना है वो छोड़ देना है। और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 10 इंच की है, तो हम 10 का 1/2 5 पर ये निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से इंची टेप को रखना है और 6 इंच पर एक निशान लगा लेना है। 6 इंच पर निशान लगा दिया है, तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच अपने स्लीव्स कवर हो जाएंगी। अगर आपको ये थोड़ा और भी कवर करना है तो आप थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा छोटा भी रख सकते हैं, उसको 3-4 इंच का भी रख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से जो हमारी स्लीव्स की फिटिंग आई है यहाँ से ऐसा शेप देना है, और यहाँ से ऐसे कोने से पूरा ले लेंगे हम, फ्रिल टाइप का आ जाए, और यहाँ से घुमाते घुमाते यहाँ पर लाकर मिला देना है। और जितना हमारे पास फैब्रिक है हम उसके हिसाब से डिजाइन दे दे रहे हैं। अब बनने के बाद पता चलेगी कैसी लग रही है वो, बनने के बाद वैसे तो अच्छी ही लगेगी, और फिर बाकी आप लोग देखकर बताइए कि बनने के बाद वो लग कैसी रही कमेंट करके। अब ये हमारा जो निशान है यहाँ से लेंगे, हल्का हल्का से इस साइड को घुमाएंगे, यहाँ लाकर मिला दिया हमने। अब यहाँ से भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर का निशान लगा देंगे।
अब हमारी स्लीव्स तो यहाँ तक की तो कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। अब हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है तो इसमें से हम पहले 2 मीटर कपड़ा काट के अलग कर देंगे, फिर हमारे पास जो हमारे पास कपड़ा बचेगा उसमें से हम गले की पट्टियाँ और जो स्लीव्स का कफ है वो निकाल लेंगे। पूरा नाप कर हमने 2 मीटर इसमें से कपड़ा अलग कर दिया है, ये देखिए ये हम हटा देंगे। और अब हमारे पास ये वाला कपड़ा और बचा है तो इसमें से हम निकाल लेंगे कफ की पट्टी। यहाँ से एकदम सीधी पट्टी निकाल लेना है हमको, वो भी 5 इंच की। इसमें से हमने 5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल ली है, 10 इंच हमारी इस दिन की फिटिंग है और इतना हमारा सिलाई में मार्जिन आ जाएगा। और ये हमारी ऐसे डबल में ये पट्टी आ जाएगी, 2 इंच की हमारी ये कफ की पट्टी हो जाएगी और 1/2 इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा तो ये हमारा 2.5 हो जाएगा। इसीलिए हमने ये पट्टी 5 इंच की निकाली है। हमारे स्लीव्स का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, हमने यहाँ पर साइड में रख दी है उसको। अब हमने अपनी चोली ले ली है, चोली को अलग अलग कर लेंगे, बैक पार्ट इसमें से हटा देंगे और फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे। और गले की विड्थ रखना है हम 2.5 इंच, गले की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच की, यहाँ पर भी 2.5 रखना है। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। सिर्फ आगे वाली ही चोली में आपको आर्महोल्स में गोलाई देना है, पीछे वाली में बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ से पतला पतला लेंगे, यहाँ पर गहरा कर लेंगे और नीचे लाकर आपको खत्म कर देना है। और अब ये वाला जो कपड़ा है इसमें से हम पट्टी भी निकाल लेते हैं इसकी, एक इसमें से हमने हटा दिया है, एक को लेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे और अपनी चोली को इसके ऊपर रख देंगे। अब इसी की बराबरी से कटिंग कर देंगे, 1.25 इंच दूरी से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको भी हटा देंगे। अब बैक साइड की चोली लेंगे, गले की विड्थ इसकी भी 2.5 रखना है हमको और गले की लंबाई हम 3 इंच की रख रहे हैं, नीचे भी 2.5। लाइन खींच के बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। गले हमारे छोटे हैं इसलिए हमने गले की फैलान 2.25 नहीं रखी है, 2.5 रखी है। अगर आपके गले बड़े हैं तो आपको 2.25 इंच रखना पड़ेगी गले की विड्थ। जैसे हमने आगे गले की पट्टी निकाली थी वैसे ही हमको पीछे गले की पट्टी निकाल लेना है। फ्रेंड्स हमारी पूरी नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये रही हमारी चोली, ये रहा हमारा घेर और ये रही हमारी स्लीव्स। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है 2 मीटर, इसमें आप प्लाजो भी बना सकते हैं और ट्राउजर भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप बना सकते हैं, 2 मीटर कपड़े में कुछ भी बन जाएगा। बस पटियाला सलवार में या नहीं, नहीं तो आप सोचे कुछ भी का मतलब पटियाला। अरे यार दीदी तुम नायरा कट के साथ पटियाला। अब आपको ये अच्छे से समझ में तो आई गई होगी बिना गेदर्स वाली नायरा कट कैसे कटिंग करना है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है। आपकी फेवरेट जो ड्रेस थी वो मैंने आज आपको बता दी है। चलिए फ्रेंड्स तो करते हैं नायरा कट स्टाइल कुर्ती की स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे नीचे वाले पार्ट से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको खोल के कर लेंगे सिंगल, चोली को इसको हमने खोल के सिंगल कर लिया और इसको एक को उठाएंगे यहाँ से और इससे मेजर करके देख लेते हैं। ये जो दोनों कट्स लगाए ना दीदी ने फिटिंग के, इसके अंदर से हमें मेजर करना है। तो देखिए इसके अंदर से मेजर करने के बाद ये हमारा आसानी से आ जाएगा और इतनी जगह बच रही है आराम से हमारे पास चौक मोड़ने के लिए। हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसमें हम यहाँ से एक और ये दो पल्टी में इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक, इसको भी और इसको भी। इसको हमने 3 साइड से फोल्ड कर दिया है। अब हमने एक बना ली है चपटी वाली डोरी जिसके हम आंकड़े बनाकर यहाँ पर लगाएंगे। ये तो हमने छोड़ दिया सिलाई मार्जिन का। इसके बाद हमें 1-1 इंच की दूरी पर 1-1 इंच की दूरी पर 4 निशान लगाना है। 4 लगा लिया, 1, 2, 3, 4 और ऐसे 4 हमें इस साइड लगाना है। इसमें से हमें 1.5-1.5 इंच की डोरियों के पीसेस कट करना है। दोनों साइड के लिए हमने ये पीसेस कट कर लिए हैं। तो एक पीस लेना है, इसको बीच में से फोल्ड कर देना है और यहीं पे लगाएंगे हम इसमें सिलाई। पक्की सिलाई लगा के हमने इसको स्टिच कर दिया है। दूसरे निशान के ऊपर दूसरा पीस रखेंगे। ये चारों आंकड़े इसमें हमने लगा दिए, इसी के जैसे हम इस साइड भी लगा देंगे। इसी के जैसे हमने ये वाले आंकड़े भी लगा दिए हैं। अब हमको यहाँ से स्टार्टिंग करनी है और यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक और यहाँ तक 3 साइड हमें इसमें लेस लगानी है। तो ये रही हमारी लेस चिकन वर्क वाली। 3 साइड इसमें हमने लेस लगा दी है। इसी के जैसे हमने इस वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है। और फ्रेंड्स इसमें से ना हमारी 2 सी लेस बची बस, ये बोलो फिक्स पड़ गई। इतनी सी अगर कम पड़ जाती ना तो और दिक्कत हो जाती। पहले हम सोच रहे थे अगर थोड़ी सी लेस बच जाएगी तो नेक पे भी लगा लेंगे, वैसे अब नहीं बची तो कोई बात नहीं। इसको हटाते हैं, अपनी चोली ले लेंगे। तो ये जो हमने पट्टियां कट की थी यहाँ से पतला पतला फोल्ड कर देंगे दोनों पट्टियों को। पट्टियों को पतला पतला फोल्ड कर दिया है, इसको हमें लेना है और सीधा करके इसी के ऊपर रख देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे, पलट के अंदर करेंगे। इस वाले को लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे, इसको अंदर नहीं करेंगे। नेक की पट्टी हमने लगा दी है, इसको पलट के पूरा अंदर कर दिया है
और इस वाली पट्टी को अभी हमने अंदर नहीं किया है, अभी यहीं पे रखा है। इसको हम रख लेंगे सीधा करके, फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे उल्टा करके, और यहाँ से इसको मिलाएंगे पट्टी से पट्टी को, और इसके ऊपर इस पट्टी को पलट देंगे, और यहाँ से डबल सिलाई लगाकर इस शोल्डर को अटैच कर देंगे। ऐसे हम इस वाले शोल्डर को अटैच कर देंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद इस पट्टी को यहाँ से ऐसे पलट देंगे, पलट दिया, खोल के करेंगे सिंगल। इस पट्टी को पूरा पीछे साइड पलटेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी सिलाई लगा देंगे। पट्टी पे सिलाई लगाने के बाद इसको कर लेना है हमें सीधा। अब हम लगाएंगे इसमें स्लीव्स। अब हमने अपने स्लीव्स को ले लिया है तो ये कफ अभी हम बाद में लगाएंगे, पहले हम इसको खोल के कर लेंगे सिंगल। अब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक इसको हमें फोल्ड करना है, और इसको हम पतला पतला फोल्ड करेंगे, ज्यादा चौड़ा नहीं करना है। इसको यहाँ से लेके हमने यहाँ तक फोल्ड कर दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको इसको फोल्ड करने में दिक्कत आए तो आप यहाँ पर पीको भी कर सकते हैं। इसको हमें लेना है और यहाँ से एक पट्टी ले लेना है इसमें कफ की, क्योंकि हमें दो हैं अलग अलग स्लीव्स की, और इसमें यहाँ से लगाएंगे हम ऐसे रख लेंगे, समझ लीजिए ये हमारी स्लीव्स रहेगी। अब ये इस तरह से ये हमारी स्लीव्स रहेगी और इस तरह से हम इस कफ को लगाएंगे। कफ वाली पट्टी को हमने सीधा करके रखा है, इसके ऊपर हम अपने स्लीव्स को भी सीधा करके रखेंगे। यहीं से ये दूसरा वाला हिस्सा लेकर आएंगे और इसी के बगल में रख लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को हम बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर पलट देंगे, पलट के यहाँ से मार्जिन को आधे इंच करेंगे अंदर, और यहाँ से देखिए यहाँ तक सिलाई लगाकर करेंगे अटैच। कफ इसमें हमने लगा दिया है। अब हमारी स्लीव्स ये कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ से ये वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा और ये वाला हिस्सा ऐसा दिखेगा। ये जो है ना ये हमारा आर्मोल्स वाला हिस्सा है। तो एक स्लीव्स तो हमने इसमें बना दी है, अभी हम इसको कर देंगे साइड में और इस वाली को और रेडी कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हो गई हमारी रेडी। अब ये वाला जो आर्मोल्स वाला हिस्सा है इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे, तो इसको हमें खोल देना है, और खोलने के बाद ये जो हमारा सेंटर का कट है यहाँ से इस तरीके से मेजर कर लीजिए आप, ये देखिए बिल्कुल कट के पास ही आ रही, तो यहीं से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक एंड कर देंगे। स्लीव्स हमने दोनों अटैच कर दी हैं। अब हमको यहाँ पर घेर अटैच करना है नीचे वाला पार्ट, तो ये लिया हमने नीचे वाला पार्ट, और ये वाला जो हिस्सा खुला हुआ है हमारा इसी को हम अटैच करेंगे। और कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ये जो हमारा कट लगा है ये वाला कट और ये वाला कट, इन दोनों कट के बीच में हम इस घेर को अटैच कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर, और ऐसे ही हमें इस वाले घेर को यहाँ पर अटैच कर देना है। डबल सिलाई लगाकर घेर हमने अटैच कर दिया है, इसको कर लेंगे ओपन, दोनों पार्ट को आपस में मिला देंगे। यहाँ से ये जो कट लगा हुआ है ना ये वाला कट और यहाँ नीचे साइड वाला कट, यहीं से फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मिलाते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक फिटिंग कर देंगे, और ऐसी फिटिंग हम इस साइड कर देंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग इसमें कर दी है, अब हम इसको कर लेंगे सीधा। प्रीति बड़ी खुश हो रही है, उसकी नायरा कट बनने वाली है, डिजाइनर वाली है वही, और इसमें टमी तो बड़ा दिखना ही नहीं है। आप लोग जो भी हेल्दी लोग हैं वो लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, इस टाइप की नायरा कट बनाकर जरूर पहनिएगा। स्लीव्स आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपकी पसंद आए वैसे आप बना लीजिए। ये जो हमने डोरियां लगाई थी इसमें हम ये वाली डोरी लगाएंगे, ये हमने रेडीमेड डोरी ली है और ये 1.5 मीटर है। अगर आप चाहें तो इस वाले फैब्रिक की बना सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे क्रिस क्रॉस में हम इस डोरी को डाल देंगे। क्रिस क्रॉस में हमने इसमें डोरी लगा दी है। अब इन दोनों डोरियों में लगा देना है लटकन। फ्रेंड्स लटकन हमने इसमें लगा दिए हैं दोनों साइड ही, और इसी के साथ हमारी नायरा कट विदाउट गैदर्स वाली जिसमें टमी बड़ा नहीं दिखेगा वो वाली फ्रॉक हमारी बन चुकी है। अब मैं इसको आपको वेयर करके दिखाती हूँ। तो मैंने वेयर कर लिया है और ये कुछ ऐसी लग रही है हमारी साइड स्लिट्स नायरा स्टाइल कुर्ती, वो भी बिना गैदर्स वाली। ये यहाँ से साइड से कुछ ऐसा लगेगा, स्लीव्स कुछ ऐसी लगेंगी, ये पूरी ड्रेस कुछ ऐसी लगेगी। तो आपको ये पूरी ड्रेस कैसी लग रही है जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आपको ये बिना गैदर्स वाली नायरा कट की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे हम इसका प्लाजो, और प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।